गर्मियों में अक्सर हिमाचल के जंगलों में लगी आग करोड़ों रुपए की वन संपदा को राख कर देती है। इसी आग की वजह से जंगली जानवर भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जंगलों की इस आग को लगने से बचाया जा सके, इसके लिए वन विभाग गांववासियों को जागरूक कर रहे हैं। सोलन के बनखंड कंडाघाट विभाग द्वारा बनखंड अधिकारी लेखराम की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक और नाच गाकर गांववासियों को आग लगने के कारणों और लगी आग को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत से जानकारी दी जा रही है। बनखंड अधिकारी लेखराम ने बताया कि प्रत्येक वर्ष जंगलों में लगने वाली आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा का नुकसान होता है। इस नुकसान को केवल गांव वासियों की जागरूकता के कारण ही नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए उनके विभाग द्वारा मही पंचायत में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रचार वन मंडल के सौजन्य से चेष्टा कला मंच के कलाकारों ने ग्रामीणों को जागरूक किया। अभियान के तहत ग्रामवासियों को बताया जा रहा है कि उनके जंगल में आग लगने पर क्या कर्तव्य हैं और वे अपनी सूझबूझ से आग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। वनों में लगी आग से जहां एक और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, वहीं अन्य जीवों को भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। गौरतलब है कि ये आग भी कुछ न समझ गांववासियों द्वारा लगाई जाती है। इसी तरह के जागरूकता अभियान से ही उन्हें आग के नुकसान बताकर विचारधारा को बदला जा सकता है। आज मही पंचायत कंडाघाट में लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन मंडल शिमला की प्रचार समिति द्वारा जंगलों को आग से बचाने के लिए संगीत व नाटक द्वारा जागरूक किया गया। और हमारी भी लोगों से यही अपील है कि गांव के लोग जैसे जंगलों में आग लगे तो हमारे मतलब विभाग का साथ दें और समय पर वन मंडल अधिकारी को या रेंज में फॉरेस्ट गार्ड को डिप्टी रेंजर को सूचित करें। हम लोगों से सहयोग चाहते हैं, हमारी यही अपील है लोगों से।